हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे अचारी चिकन की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, तो फ्रेंड वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अचारी चिकन बनाने के लिए एक टीस्पून सौंफ लेंगे और एक टीस्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी ली, आधी टीस्पून ये मेथी दाना है, 3-4 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे और एक पैन में इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे। 1 kg का मैं यहाँ पर अचारी चिकन बना रही हूँ। धीमी धीमी आंच पर मसालों को अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे से बताए हुए तरीके से एक बार इस अचारी चिकन को बनाएं, बहुत ही अलग फ्लेवर में और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इसे हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। जब मसाले सिक कर तैयार हो जाएंगे तब इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडिंग जार में इसका एक हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट आप इसे आसानी से बना सकते हैं। 1 kg चिकन को अच्छे से धोकर तैयार कर लिया। अब इसे मैरिनेट करेंगे। 1 teaspoon नमक ऐड कर देंगे, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 tablespoon लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जो मसाले हमने पीस कर तैयार किए थे सारे मसाले पीसे हुए इसमें ऐड कर देंगे। 50 g इसमें दही भी ऐड कर देंगे और सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में 30 ml तेल को गरम कर लेंगे। इसमें आधी टीस्पून राई ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं थोड़े से फ्रेश करी पत्ते यूज कर रही हूँ। इसका जो टेस्ट है अचारी चिकन में बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 medium size की प्याज, इस तरह चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसे मीडियम फ्लेम पर हल्की सी गुलाबी रंग की होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पर अच्छे से गुलाबी रंग की हो चुकी। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 medium size के टमाटर, इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट किए हुए। टमाटर को भी अच्छे से प्याज के साथ सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर फटाफट आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम 2-3 minutes फ्राई कर लेंगे। 3 minutes हो चुके, ये देखिए टमाटर काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, तो टमाटर को इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन। चिकन ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम यहाँ हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर चिकन को 5 minutes इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार इस अचारी चिकन को बनाएंगे तो हफ्ते में आप इसे एक बार जरूर बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसे हाई फ्लेम पर 5 minutes पकाएंगे। चिकन को मसालों के साथ हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए 5 minutes हो चुके हैं। 5 minutes में ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 cup पानी। अचारी चिकन की जो ग्रेवी होती है फ्रेंड, बहुत ज्यादा पतली नहीं रखते, थोड़ी ये गाढ़ी ग्रेवी होती है। आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर दें। कढ़ाई को ढककर कवर करेंगे और 10 minutes चिकन को, ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। काफी अच्छे से चिकन पक चुका है और इसमें खुशबू भी बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बड़ी वाली 3-4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 3-4 minutes पका लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होता है। 4 minutes हो चुके, अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस अचारी चिकन को नान की रोटी, रुमाली रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें कि आपको ये अचारी चिकन की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।